और कौन से स्टॉक्स पे आपको ट्रेड करना चाहिए, भसीन साहब हमारे साथ हैं ये बताने के लिए। नमस्कार भसीन जी, कौन से आप अपना ये भी बताएं कि आपके स्टॉक्स अभी तक कैसे चले और कौन से स्टॉक्स अब यहाँ से आपके रिडार पे हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून अजय जी, कल आपको इंडिगो दिया था, कोल इंडिया दिया था, वो आउट परफॉर्मर है। उसके अलावा मैंने हैवल्स बड़ी जोर से कहा था वो, और परसिस्टेंट सिस्टम देखिए, मैं एक महीने से कह रहा था परसिस्टेंट विल बी एन आउट परफॉर्मर एंड सी परसिस्टेंट हैज कम आउट विद एक्सेलेंट नंबर। अब आपके लिए दो नहीं तीन पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। कोल इंडिया डेज हाई पे, परसिस्टेंट डेज हाई पे, इंडिगो भी अभी अभी डेटा आया है एयरलाइन का डेटा, और उसके चलते वो भी 2.5% चल रहा है। बहुत ही शानदार स्टॉक पिक्स शेयर करते हुए, बताइए अभी आपके कौन से स्टॉक्स हैं रेडार पे? देखिए मीडिया में बिफोर द बजट यू विल सी द मर्जर ऑफ जी एंड सोनी कम थ्रू। आई एम वेरी बुलिश ऑन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड यू कैन इमेजिन के द मार्केट कैप ऑफ वॉल्ट डिज्नी इज $200 बिलियन एंड द कंबाइंड जी इज नॉट इवन 23,000 करोड़। तो आई थिंक जी कैन बी री रेटेड 238-240 का नियर टर्म टारगेट, 219 का स्टॉप लॉस। सेकेंड इज बीईएल। बीईएल में बजट के लिए, बजट में बहुत अच्छे स्टॉक्स आएंगे एंड आई थिंक बीईएल इज अ नो ब्रेनर, इट्स इन मोस्ट पोर्टफोलियोज, दिस इज द टाइम टू एड इट। 102 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 98-110 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माई फेवरेट शेयर एबीबी। एबीबी विल कम आउट विद ब्लॉकबस्टर नंबर एंड इट्स द बेस्ट कैपेक्स स्टॉक, इट हैज नो डेट एज सच एंड द फॉरन पेरेंट इज इंक्रूजिंग मोर कैपिटल। 2910-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2860, 3050 का टारगेट। इट हिट अ हाई ऑफ 2984, आई एम सीइंग इट क्रॉस दैट एंड हिट 3050। ओके ऑल राइट संजीव जी, इसी लिस्ट में आपके दो और स्टॉक्स भी ऐड कर लेते हैं, अशोक लेलैंड भी और ONGC भी। इनफैक्ट ONGC जब संजीव जी ने आई थिंक दो हफ्ते पहले बोला था तब उस स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई थी, लेकिन इस वीक में आपको वो मूवमेंट भी दिख रही है। संजीव जी ONGC पर क्या ट्रेड है? ONGC इज अ मस्ट हैव, और आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सी है कि एनर्जी प्राइसेस आर नाउ गोइंग टू राइज, और आप देख रहे हैं सारे PSUs में, तो इसलिए आज मैंने BEL चूज किया, बट ONGC इज ऑल्सो अ मस्ट हैव, 160 का टारगेट।